चारा घोटाला मामले में सीबीआई अदालत के ताजा फैसले के खिलाफ बिहार के पूर्व मंत्री लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं उनके वकील ने जमानत याचिका दायर की है। लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार के अनुसार झारखंड हाईकोर्ट में विशेष सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की गई है, साथ ही बेल की गुहार भी लगाई गई है। तो झारखंड हाईकोर्ट में आज जमानत याचिका नहीं, हम लोग क्रिमिनल अपील फाइल किए हैं। जो भी निचली अदालत से जो फैसला आया है उसको चुनौती देने के लिए हमने एक अपील फाइल किया है। अपील में ही जमानत के लिए जो है हम लोग उसमें प्रयास किए हैं। तो सर, इसकी सुनवाई कब तक होने की उम्मीद है? अभी तो कोरोना काल चल रहा है, फाइल करने के बाद 3 दिन को पिटीशन क्वारंटाइन रहता है। आज इस केस की सुनवाई केवल शुक्रवार को ही होती है। अब देखिए, इस शुक्रवार कल तो नहीं हो किसी हालत में होगी, अगले शुक्रवार तक कोशिश करते हैं कि सुनवाई हो जाए। ये कौन सा चारा घोटाला से रिलेटेड है सर मामला? ये RC-47A-96 जो डोरंडा ट्रेजी से निकासी से संबंधित है। कितने की सजा सर हुई है इसमें लालू प्रसाद? इसमें 5 साल की सजा और 7 लाख रुपया जो फाइन लगेगा। सर, इसमें जो जमानत, हाँ अभी तक जो है तो उस समय जो पिछली जो 2017 में 23 दिसंबर को जो सजा हुई थी उस समय से कस्टडी में थे और अप्रैल 2021 में वो बाहर आए थे, तो उस हिसाब से जो है हाफ सेंटेंस जो है इनका कंप्लीट हो चुका है। नहीं, पिछली सजा जो काट रहे हैं वो भी काउंट होगी सर इसमें? नहीं, वो तो जब अपील का डिसीजन होगा, जब सभी 5 केस की अपील की डिसाइड होगी तब उसमें कोर्ट का जो निर्णय आएगा, हमारा एक्यूटल होगा कि सजा बरकरार रहेगा, उसके बाद काउंटिंग या नहीं काउंटिंग का प्रश्न उठता है। बता दें कि चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाई गई है, साथ ही 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसके बाद लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। लालू प्रसाद ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें जेल की जगह रिम्स में रखा जाए, जिसे कोर्ट ने मानते हुए उन्हें रिम्स में रखे जाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद से लालू प्रसाद यादव रिम्स में ही अपनी सजा काट रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष की रिपोर्ट।